जब भी हम कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है आपका रिज्यूमे। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका रिज्यूमे जितना प्रोडक्टिव और सिंपल होगा उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आएगा हाईलाइटेड, हाईलाइटेड में बोल्ड और हाईलाइटेड में। उसके बाद आपका पर्सनल एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आप अपना फोटो भी लगवा सकते हैं। उसके बाद आएगा दूसरा पॉइंट, करियर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे मैंने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है कुछ 3-4 लाइन में, तो आप भी लिख सकते हैं, 2-3 लाइन में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ किया है। सीरियल नंबर, डिग्री, और आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे ईयर। यहाँ पे आप डिग्री की इन्फो लिख सकते हो, यहाँ पे कॉलेज की इन्फो आएगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी और बोर्ड की इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ पे परसेंटेज आएगा, और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आएगा। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट आएगा, आप यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा एकेडमिक प्रोजेक्ट, जो भी आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप, जो भी आपने कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप अटेंड किए तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद आएगा स्किल्स, स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, पर्सनल स्ट्रेंथ, जो भी आपके स्किल्स है यहाँ पे आप लिख दो। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे आएगा डेट, प्लेस, नेम एंड साइन। दोस्तों ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो रिज्यूमे में आना चाहिए। तो